अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहम्मद बिलाल टिप्स एंड ट्रिक्स। आज मैं आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूं वो ये है कि हम जेपीजी फाइल और पीएनजी फाइल को टेक्स्ट फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वो ये है हम गूगल ओपन करेंगे। गूगल ओपन करके हमने यहाँ सर्च करना है गूगल कीप, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे ये आ गया गूगल कीप, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, सिंपल ये है न्यू नोड विद इमेज। हमने जिस इमेज को कन्वर्ट करना है टेक्स्ट फाइल में, हमने सेलेक्ट करेंगे यहाँ से वो फाइल को, लोकेशन जहाँ पे है वहाँ पे हम जाएंगे। मैंने डेस्कटॉप एक दो जेपीजी फाइल पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे ये है जेपीजी फाइल, ये फाइल हमने ओपन कर ली, जेपीजी फाइल ओपन कर ली। ये ओपन हो गई। अब यहाँ पे ये थ्री डॉट बने हुए हैं, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है, डिलीट नोड, ऐड लेबल, ऐड ड्राइंग, मेक अ कॉपी, शो चेक बॉक्स। ये जो ऑप्शन है ग्रैब इमेज टेक्स्ट, हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ओके करना है। तो ये देखें हमारी फाइल टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो गई है। ये अब ये देखें टॉप पे था आई एंजॉयड फर्स्ट, यहाँ पे आई एंजॉयड फर्स्ट, लास्ट पे था आई हैव ओनली डन लाइक थ्री, ये आई हैव ओनली डन लाइक थ्री। तो इसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगी, वो आप यहाँ से इसको कॉपी किया पूरे टेक्स्ट को यहाँ से हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, वर्ड ओपन करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और कुछ ही सेकंड में हमने एक ऐसे या कोई भी चीज़ आप जो जेपीजी फाइल है, और ये आप अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कोई बुक है उसमें से आप कोई ऐसे लिखना चाहते हैं कंप्यूटर पे, तो आप सिंपल क्या करें उसकी पिक्चर बनाएं, मोबाइल से पिक्चर बना के यहाँ पे लेके आएं और आप वो चीज़ कुछ बजाय के आप उसकी उसी ऐसे की कॉपी करवाएं, वही आप वहाँ से उसकी पिक्चर लेके यहाँ पे वेबसाइट पे ला के यहाँ पे पेस्ट करें, क्योंकि ये जो इमेज थी सही क्लियर नहीं थी। अगर आपकी इमेज आप ये देखें इमेज यहाँ पे क्लियर नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह यहाँ पे होंगी जो आप जिस तरह ये है थ्रू दे टेक, यहाँ पे ये देखें ये कोई लफ्ज़ नहीं बनता यहाँ पे, तो यहाँ पे आप वो दे के उसको ठीक कर सकते हैं। जिस तरह ये आई नो है KNO, इसी तरह कुछ मिस्टेक होंगी, लेकिन अगर आपकी पिक्चर क्लियर होगी, जितनी क्लियर पिक्चर होगी उतने ही मिस्टेक कम होंगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिससे आप किसी भी फाइल को जेपीजी फाइल को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करके इजीली आप उसमें कोड डॉक में लिख सकते हैं, बजाय कि आप उसको दे के टाइप करें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको वहाँ से जेपीजी फाइल बना के यहाँ पे पेस्ट करें और उसको सिंपल कन्वर्ट कर लें टेक्स्ट फाइल में। तो आपने अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें मोहम्मद बिलाल टिप्स एंड ट्रिक्स, और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।